प्रीति जैनब, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? आस्था, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? नाउन। नाउन, तो बताइए फिर नाउन में बड़ा प्लैनेट होता है। हाँ, सो व्हाट इज नाउन बताइए, कौन बता रहा है? नाउन क्या बताओ? हाँ, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड एनिमल। Noun is the name of person, place, animals and things. मतलब जितनी भी चीजें, things what we can feel, touch, taste, है ना, see, smell, वो सारी जो उनके हमने नाम दिए हैं, वो सभी नाम जो है वो noun होते हैं, ठीक है? And kinds of noun बताइए, कितने noun, कितने kinds of noun? Mam, five. There are five kinds of noun. कौन कौन से? मैम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एडजेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, आस्था आप बताइए कितने काइंड्स ऑफ नाउन है, कौन कौन से? आस्था, जैनब आप बताइए। कौन कौन से नाउन है, काइंड ऑफ नाउन बताओ, नेम बताओ। मैम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हाँ, तो ये बताओ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मैम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बताइए? मैम क्या है बताइए? मैम जो क्वालिटी बताता है। हाँ, जो क्वालिटी या इमोशन या स्टेट है ना, वो बताता है, वो उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन क्या होता है? थिंग्स जिससे बनाई जाती है ना, जिससे जिन मटेरियल से चीजें बनाई जाती है, दूसरी चीजों को बनाया जाता है जिससे, वो मटेरियल कहलाता है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात होती है ना, कई सारे चीजों को एक करके उसको नाम दे दिया जाता है, वही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है? यस मैम। और प्रॉपर नाउन क्या है? जिसमें पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाती है ना, पर्सन, प्लेस या एनिमल, किसी एक पर्टिकुलर, और उनके किसी स्पेशल नेम से उनको बुलाया जाता है, जैसे जैनब, आस्था, कृति, ये आपका स्पेशल नेम है। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे गर्ल, है ना, दे आर गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है ये आ जाता है कॉमन, ये कॉमन नाउन में आता है, ठीक है? सो ये है आपके नाउन्स। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस। सो आपका ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? दी सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है बच्चों, किसी को पता है? कौन बताएगा सेंटेंस क्या है? मैम वाक्य। वाक्य, डेफिनेशन बताइए सेंटेंस की। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, द ग्रुप ऑफ The group of words that makes a complete sense, है ना, is called
सेंटेंस, ठीक है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. सो जब भी कुछ वर्ड्स के ग्रुप होते हैं उनको एक साथ लिखा जाता है और वो कोई सेंस बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. फॉर एग्जांपल द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन. द बॉयज आर प्लेइंग in the garden. लड़के गार्डन में खेल रहे है ना. The boys are playing in the garden. लड़के गार्डन में खेल रहे. ये आपका किसका एग्जाम्पल है, नाउन का, सॉरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि लड़के गार्डन में खेल रहे. अब यहाँ पर जो देखिए एक वर्ड नहीं है, ना एक फ्रेज है ना एक वर्ड है, ये क्या है, पूरा सेंटेंस है. क्यों सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब भी है, प्लेइंग देखो वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, बॉयज, बॉयज सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसको कर्ता भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट भी है कि गार्डन में. ठीक है, तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब ये जो सेंटेंस है एकदम प्रॉपर सेंटेंस है. क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे एंड हुआ है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है ना, सब कुछ है. So, ये आपका एक कंप्लीट सेंस बना रहे. फिर गो एंड ओपन द डोर, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो, ये भी आपका क्या है, एक सेंटेंस. गो एंड ओपन द डोर, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो. गो एंड ओपन द डोर कि जाओ और जाकर दरवाजा खोलो, ये आपका एक कंप्लीट सेंस बना रहे. ठीक है, ऐसे ही कई सारे सेंटेंस है जो आप भी बना सकते हो, जैसे वेयर डिड यू स्लीप द लास्ट नाइट, है ना. वेयर डिड यू स्लीप द लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट आप कहाँ थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है. फिर लास्ट हिज ग्रैंड मदर इज नो मोर, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो अब नहीं है. ये सारे आपके सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं. रिमेंबर दैट. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सेंटेंस में याद रखने हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखिएगा कि अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस होता है वो कभी भी अगर स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट. देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है, उसी से स्टार्ट होगा. फिर The words in a sentence must be in their correct order. और अब यहाँ पर go and open the door. अगर हम कह देंगे the open door go and, तो ये correct order नहीं होगा, तो ये sentence नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर हमने लिखा है go and open the door, तो ये correct order है और यही एक proper sentence बनेगा. Next क्या है point कि a sentence ends with a full stop. और अगर कोई sentence है तो वो एंड किससे होता है बच्चों, फुल स्टॉप से, है ना. सेंटेंस हमेशा एंड होगा फुल स्टॉप से और इस मार्क से. ये वाला जो मार्क है ये फुल स्टॉप का मार्क है. अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और अगर उसमें क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेशन का मार्क होगा ये वाला, ये आपका इंटरोगेटिव मार्क कहलाए. अगर सेंटेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा ये वाला. फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और अगर इमोशंस की बात होगी, सैड, हैप्पीनेस, है ना, कुछ भी इमोशन, सरप्राइज की बात होगी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा जिसके बारे में आप लोग जानते हैं. एक स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट. ठीक है बच्चों, इतनी बात पता है ना. yes, नेक्स्ट देखो kinds of sentences. अब ये बात ध्यान देने वाली है कि kinds of sentences क्या है. अब sentences के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे statement और assertive sentence. अब sentence का प्रकार क्या है, statement और assertive sentence, मतलब कि statement दिया जाए, अपनी बात को बताया जा रहा है, किसी चीज के बारे में statement दे दे रहे हैं, बता दे रहे, सही सही कोई बात है, वो
बता दी थी। क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जा रहा है या इंटरोगेट किया जा रहा है। कमांड और इंपरेटिव, मतलब किसी से कमांड ली जा रही है, मतलब किसी को कुछ करने के लिए कमांड दिया जा रहा है कि ये काम ऐसे करो। या फिर इंपरेटिव, इसी को इंपरेटिव भी कहते हैं, जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, इसको क्या कहते हैं, इंपरेटिव। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है कि जहां पर इमोशंस की बात होती है, वंडर, जॉय, हैप्पीनेस, सैड, ये सारे इमोशंस जो है ये किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखते हैं स्टेटमेंट वाला क्या है। स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई घोषणा करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इन्हीं को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। रीमा कैन डांस वेरी वेल। रीमा जो है वो बहुत अच्छे से डांस कर सकती है। वी कैन कैप वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ देखो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं, वो ये कर सकती है, ये अपनी बात रखी जा रही है। शी डज नॉट लाइक टू वियर जीन्स। उसको जीन्स पहनना पसंद नहीं है, ये एक स्टेटमेंट। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके उसका डेफिनेशन देखो क्या है। क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इंटरोगेटिव्स आर सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन, जिसमें पूछते हैं क्वेश्चन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑल रिटन क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एंड किस पर होते हैं, क्वेश्चन मार्क पर एंड हो जाते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या आप जानते हैं कि स्विम कैसे करना है, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कैसे स्विम करना है। Why are you shouting so loud? आप इतना तेज क्यों शाउट कर रहे हैं, आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर has our team won the match? क्या हमारी टीम मैच जीत चुकी है। अभी क्वेश्चंस है ना। फिर when do you get up in the morning? इसमें आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अगर जो ऑक्सिलरी है वो बाहर है, और या फिर डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, देखो, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन वाले, ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं। और जहां पर ये आते हैं वहां पर ये क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। वाई आर यू शाउटिंग सो लाउडली, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। हैज आवर टीम वॉन द मैच, क्या हमारी टीम मैच जीत गई है। या फिर व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखो क्वेश्चंस वाले। अब आते हैं कमांड्स पर। कमांड्स में क्या होता है, कमांड्स आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स और एडवाइस। कमांड्स में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, या फिर एडवाइस होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस, और इन्हीं को इम्परेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जिसमें देखो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ भी पूछा जाता है ना, वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और ऑल इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। और जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है उसको नॉर्मल जैसे सेंटेंस होते हैं उसी तरह उसको एंड करते हैं फुल स्टॉप पे। फॉर एग्जांपल, प्लीज प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कि प्लीज, अब देखो यहाँ पर प्लीज लगा है कि
प्लीज मुझे पानी लाकर दो। अब बताइए यहाँ पर प्लीज है तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ये क्या कह रहा है बताइए। बताओ आस्था क्या है इस सेंटेंस में, अगर प्लीज लगा हुआ है तो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है कि कमांड दे रहा है, क्या कर रहा है बताओ। मैम रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, करेक्ट। अगर प्लीज लगा हुआ है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, डोंट प्लक फ्लावर्स, ठीक है, डोंट प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स मत तोड़ो, ये क्या है मैम? ऑर्डर है। हाँ हाँ ऑर्डर, डोंट प्लक फ्लावर्स। फिर ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है? ये है आपका सजेशन, ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये आपका सजेशन कि हमेशा ट्रैफिक रूल्स को ओबे करो, हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, तो ये एक तरह का सजेशन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, डोंट टॉक इन अ सिली मैन, है ना, डोंट टॉक इन अ सिली मैन, कि इस तरह से पागलों के तरीके से बातें मत करो, ये क्या है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, क्या है? ये यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है कि डोंट टॉक इन अ सिली मैनर, बिल्कुल ही पागलों की जैसे बातें मत। सो नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सक्लेमेशंस पर। अब एक्सक्लेमेशंस क्या है, एक्सक्लेमेशंस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं all exclamatory sentences end with an exclamation mark, और जितने भी exclamatory sentences हैं वो end किससे होते हैं, exclamation mark से end होते हैं, और exclamation mark कौन सा है आपको पता है, ये वाला, ये आपका exclamation mark है। जैसे देखो how sad she was, ये आपका एक exclamatory sentence है कि how sad she was, कितनी sad है, तो यहाँ पर ये sad का emotion, यहाँ पर sadness दिखाई जा रही है कि how sad she was, तो ये sadness है। फिर What a delicious food, है ना, What a delicious food, कितना tasty खाना है, What a delicious food, कितना tasty। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, यस मैम, अब आ रही है आवाज, यस मैम, यस मैम। सो हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, मतलब वो आदमी कितना स्ट्रॉन्ग, हाँ लिखा नहीं अभी हमने, हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो ये एक सरप्राइज वाला इमोशन है, वंडर वाला, सरप्राइज वाला,
कि वो आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ इमोशंस की बात हुई, व्हाट अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, व्हाट अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। कितना डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है, कितनी खुशी वाली बात है, कितना खुशी वाला एक्सपीरियंस था, कितना खुशी वाला हमारा ये सो यहाँ पर आपके इमोशंस हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइजेस पर। एक्सरसाइजेस क्या है देखो यहाँ पर, अब आपको बताना है बच्चों इसका आंसर। Rearrange the words to form meaningful sentences. Also use appropriate punctuation mark. अब देखो यहाँ पर गलत तरीके से अभी बोला था ना कि सेंटेंस क्या होते हैं, जो करेक्ट ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, जो करेक्ट ऑर्डर में होंगे वो सेंटेंस होंगे। तो इनको रीअरेंज करना है, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या चीज गलत है और कौन सा पंक्चुएशन मार्क क्या होता है बच्चों, जो फुल स्टॉप्स होते हैं, जितने एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क, इसको पंक्चुएशन मार्क कहा जाता है। तो जहां पर जो मार्क लगेगा वो भी बताइएगा। मी वाटर ब्रिंग सम, ठीक है। बताओ Me water bring some क्या होगा इसमें, कैसे इसको अरेंज करोगे सही से। आस्था जैनब बताइए, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। हाँ मैम, bring me some water। हाँ bring me some water, और इसमें punctuation mark कौन सा होगा बच्चों? मैम explanation। पहले बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है कि स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है, कमांड है, क्या है? मैम स्टेटमेंट है। बच्चों ये कमांड है, अगर कोई किसी को कह रहा है कि ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लाओ, है ना, मेरे लिए कुछ पानी लाओ, और जब पानी मंगा रहा है वो, तो ना उसने प्लीज लगाया है ना कुछ और, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे लिए पानी लाओ, तो ये ऑर्डर कर रहा है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका एक्सक्लेमेशन नहीं, सॉरी कमांड है ना, कमांड है ये, और यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क जो लगेगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट देखो, इज हु इंडिया द ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या होगा, लिख दे रहे हैं। क्या होगा बताइए, इज हु इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट। क्या लगेगा यहाँ पे, इसको अरेंज कर लोगे। देखो हु इज क्वेश्चन वाला है, सो यहाँ पर पहले आएगा हु इज, है ना, Who is the president of, है ना, Who is the vice president of India, यही होगा ना, Who is the vice president of India, Who is the अब यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा बताइए,
हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगेगा? मैम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, अ स्टोरी वंडरफुल व्हाट इट इज। नेक्स्ट है सेंटेंस, अ स्टोरी A story wonderful what it is, क्या होगा इसको बताओ। मैम what is a wonderful story? हाँ what wonderful story it is, और यहाँ पर लगेगा exclamation mark, क्यों? क्योंकि ये एक exclamatory sentence है। What wonderful story it is, कितनी प्यारी कहानी है, कितनी मजेदार कहानी। फिर speak can not Hindi he properly, है ना, speak can not Hindi he properly, so इसका क्या होगा, speak can not Hindi he properly, बताइए। कौन सा सेंटेंस है ये और उसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे बच्चों? मैम ये स्पीक कैन नॉट, इसके आगे क्या लिखी है? स्पीक कैन नॉट हिंदी, हिंदी ही प्रॉपरली। मैम ही कैन नॉट इस, हाँ ही कैन नॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, हाँ करेक्ट, ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक हिंदी प्रॉपरली। और ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? Which type of sentence is this? बताइए। Statement है। ये एक statement वाला sentence है। यहाँ पर statement दिया जा रहा है कि वो हिंदी properly बोल नहीं सकता। Next sentence is, subject is which your favorite? ये सारे बच्चों आपको बुक की एक्सरसाइज है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यही आपको कॉपीज में अपने करनी है। सो सब्जेक्ट इज विच योर फेवरेट। Subject is which your favorite? बताओ। मैम which subject is, हाँ, which subject is your favorite? Good. Which subject is your फेवरेट? सो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है ये?
बताइए किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस? क्वेश्चन वन है ना, ये कैसा सेंटेंस है? क्वेश्चन वन. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फैंटास्टिक व्हाट दे हैव, है ना. हैव हाउस, बताओ क्या होगा? व्हाट अ, व्हाट अ फैंटास्टिक हाउस दे है, है ना. व्हाट अ फैंटास्टिक हाउस दे है, और ये है आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. ठीक है बच्चों, इतनी चीजें, इतनी एक्सरसाइजेस आपको समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है, चलो दैट इज फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दीज एक्सरसाइजेस. ठीक है. यस मैम. बाय बाय बच्चों. यस मैम. बाय मैम.